नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। और इसमें हम लोग सेवन्थ लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें जी जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम लोग डिटेल तरीके से देखते हैं। अब 500 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, 301 से लेकर 350 पे अब हम लोग चलते हैं आगे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी। मैं कई बार रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लगभग नहीं करता हूं, लेकिन हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से सिर्फ हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और एक वजूद क्रिएट होता है। आई होप आप लोग समझते होंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी वर्थ लगता है तो ज़रूर बताइएगा। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। 301वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 301वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बीच में न्यूज़ सुनी होगी कि केंद्र सरकार ने पूरा देश की जो 10 एजेंसियाँ हैं बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस की, उसको फ्री हैंड दिया हुआ है कि हम किसी की वो किसी भी कंप्यूटर को शक के आधार पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इनमें से वो कौन सी संस्था है जो उन 10 संस्थाओं में नहीं है? तो ये मुंबई पुलिस कमिश्नर, ये वेग आंसर है, ख़त्म करो इसको। बाकी सारे हैं, IB है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ED है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, CBI है, CBDT है, ये सारी संस्थाएँ हैं जो हमारे कंप्यूटर को, मतलब हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो। 302वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा ने हाल ही में सरोगेसी बिल 2019 पास किया है, सॉरी 2016 बिल था जो 2018 में पास हुआ, इसके अंतर्गत कुछ सुधार किए गए क्योंकि सरोगेसी को बिजनेस बना लिया गया था खासतौर से, और इसमें जो गैंग ऑपरेट करते थे, जो महिलाओं से सरोगेसी करवाते थे कमर्शियल बेसिस पे, तो अब इस पे बैन लगाया जा रहा है, मतलब इसको रेगुलेट किया जा रहा है। और अब वही इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान भी, अगर आप गलत तरीके से सरोगेसी कराते हैं तो। सरोगेसी मतलब किराए की कोख है ना, कि कई रीज़न होते हैं कि कोई कपल जो होते हैं वो खुद से बेबी कंसीव नहीं कर सकते, तो सरोगेट मदर के द्वारा वो बेबी कंसीव कराया जाता है। इसके अंतर्गत अब वही कपल सरोगेसी के तहत बेबी ले करा सकते हैं जो जिनकी शादी को कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं। कोई भी सरोगेसी सिंपली अब विदाउट लॉज के बाहर जाके इस काम को नहीं करा पाएगा। गुजरात में समस्या बहुत विकट है, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया था सरोगेसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरोगेसी में बेसिकली 7 साल की सजा का प्रावधान भी है अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो। 303वां क्वेश्चन, 303rd क्वेश्चन बोला कि द इंडियन नेवी कमीशन, इंडियन नेवी में INHS संधानी नाम से एक शिप इंडक्ट हुआ है, मतलब लाया गया है, भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया है। तो इसमें INHS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप, मतलब अस्पताल की तरह कार्य करने वाला शिप। अलग अलग काम के लिए होते हैं, गार्डिंग के लिए अलग होते हैं, सबमरीन्स के मतलब युद्ध पोत के रूप में अलग, वारशिप अलग होते हैं, इसी प्रकार से यह हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्टिविटी का शिप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसको बनाया गया है ना, अभी हाल ही में किस महिला वकील को भारत का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, जो कि अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं एक प्रकार से, तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है मधु दीवान को। किसको बनाया गया? मधु दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलते, 305वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। हाल ही में पेटा एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि लोगों को जागरूक करती है एनिमल किलिंग के अगेंस्ट में, है ना, जानवरों की जो हत्या होती है उसके अगेंस्ट में अवेयर करती है। तो पेटा ने हर साल किसी न किसी को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। तो 2018 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सोनम कपूर को। किसको दिया गया? सोनम कपूर, याद कर लीजिए। चलिए, आपको पता है कि जेंडर गैप लिस्ट आती है ना, लैंगिक अंतर जो है वैश्विक तरीके पे किस देश में कितना है उसके आधार पर रैंकिंग मिलती है। भारत की रैंकिंग जेंडर गैप में 108वीं है। कितनी है? 108वीं। तो ये जो जेंडर गैप लिस्ट है ये कौन जारी करता है, जो रैंकिंग है कौन प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऊपर की ओर चलते हैं, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 307वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है, और 307वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज अनाउंस्ड गिटेगा एज इट न्यू पॉलिटिकल कैपिटल, मतलब किस देश में इनमें से गिटेगा को अपनी नई राजधानी चुना है? गिटेगा की नई राजधानी बनी है बुरुंडी की। किसकी? बुरुंडी की। इससे पहले बुकम्बुरा नाम की जगह थी, वो इसकी राजधानी थी, और अब बुरुंडी की नई राजधानी गिटेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इन बैंकॉक इन दिसंबर 2018।
2018 का मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मैं इसका आंसर एक बार ज़रा कन्फर्म कर लूँ क्योंकि कई बार चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसमें कैटरीना ग्रे आंसर दिया हुआ है और आई होप यही होगा बिकॉज इसको मैंने थॉरली स्टडी में इसको नहीं कर पाया था। तो 308वें का बी और ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, 309वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके आगे। 309वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैम्प टू कॉमरेड द पाइका रिबेलियन। आपको पता है पाइका विद्रोह हुआ था, पाइका विद्रोह के हाल ही में 200 वर्ष पूरे हुए हैं, है ना। पाइका विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 200 वर्ष पूरे हुए हैं और ये उड़ीसा में बेसिकली हुआ था और हाल ही में दिसंबर में इसके ऊपर स्टैम्प भी जारी हुआ था, सिक्का भी जारी हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूरे होने के बाद इसको सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में, तो ये था 200 वर्ष पाइका विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी वी भारती को अपॉइंट किया गया है MD और CEO किस बैंक का, है ना, किस सरकारी बैंक का, सॉरी इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, किस सरकारी बैंक का इनको CEO बनाया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक? तो आंसर होगा कॉरपोरेशन बैंक। किसको बनाया गया? कॉरपोरेशन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, व्हाट इज द न्यू GST रेट ऑन मूवी टिकट? जिस मूवी टिकट की कॉस्ट 100 रुपये है, है ना, उस पर GST रेट कुछ घटा दिया गया है, कितने परसेंट? 12% कर दिया गया, मतलब 100 रुपये से कम की टिकट वाली मूवी टिकट पे GST 12%। नेक्स्ट, नीति आयोग ने भारत की आज़ादी के 75 साल मतलब कि 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? 5 ट्रिलियन। खूब मजाक भी उड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य था लेकिन GDP घट के 5 पे आ गई, है ना। तो 5 ट्रिलियन आंसर होगा सर, कितना होगा? 5 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग जो एम अचीव करने हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे स्टेट्स को रैंकिंग दी है ना, कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स हैं, मानव सतत विकास लक्ष्य जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्देशित किए गए हैं, उसको कौन सा राज्य कितना अच्छे से उसको डील कर रहा है, कितना अच्छे से उसके लिए कार्य कर रहा है, इसमें रैंकिंग निकाली है। तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इंडिया के कौन से हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर कार्य अच्छा कर रहे हैं? तो आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। हिमाचल, केरला और तमिलनाडु। चलिए 313वें के बाद 314वें क्वेश्चन की ओर हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। 314वां क्वेश्चन आपके एक्सट्रीम राइट में है, हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर बडिंग एंटरप्रेनर्स अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ स्टेट रिलीज बाय DIPB इन दिसंबर 2018? मतलब कौन से राज्य सबसे अच्छा माहौल पैदा कर रहा है, सबसे अच्छा माहौल पैदा कर रहा है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। तो आंसर आएगा गुजरात। आंसर क्या आएगा? गुजरात। 314 का आंसर मेरे हिसाब से जी हाँ गुजरात ही है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैड कंस्टिट्यूटेड ए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कमेटी टू एक्सेस की चैलेंजेस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स इन लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड कॉमर्स। मतलब भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी किसके लिए है वो? कि लॉजिस्टिक विकास के क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, है ना, वाणिज्य से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। और उसके लिए कमेटी बनाई गई है कि इन समस्याओं को हम कैसे निपटा सकते हैं और समस्याएं कैसे पहचानी जाए। तो किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? तो आंसर होगा विवेक देबरॉय, बहुत फेमस अर्थशास्त्री भी हैं विवेक देबरॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स कमेटी लगा लीजिए। नेक्स्ट है, फिक्की के नए चेयरमैन कौन है भाई? फिक्की के नए चेयरमैन संदीप सोमैनी, जैसे मैंने एंटरप्रेनर हैं संदीप सोमैनी फिक्की के नए चेयरमैन। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य क्षेत्र की बहुत एमिनेंट फर्म, बहुत एमिनेंट संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभी हाल ही में एक एम्स की स्थापना की बात की गई है दिसंबर में, BB नगर में। ये BB नगर कहाँ पे है और ये BB नगर में जो एम्स बन रहा है किस राज्य में? तेलंगाना, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक वुमेन भारतीय महिला है वेदांगी कुलकर्णी जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एशियन बन गई हैं पूरे ग्लोब घूमने का, किससे? फ्लाई करके, दौड़ के, नाव से, या वॉक करके, या साइकिल से? तो साइकिल का यूज़ करके सबसे तेज एशियन है जिन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है साइकिलिंग के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? वेदांगी कुलकर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
वेदांगी कुलकर्णी पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेदांगी कुलकर्णी और साइकिलिंग के द्वारा फास्टेस्ट एशियन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को ना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू वी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न एयर कमांड है ना ऑफ इंडियन एयरफोर्स की, जो वेस्टर्न एयर कमांड है, एयरलिफ्टेड रिकॉर्ड 463 टन ऑफ लोड, उसने रिकॉर्ड 463 टन का लोड उठाया सिंगल वेव में दिसंबर में, है ना, उसके लिए कौन सा एयरक्राफ्ट यूज नहीं हुआ था। मिराज 2000 ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है, हटाइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत है, जो क्वेश्चन इसमें काम लायक नहीं है उसे मैं हटाऊंगा। 321वां क्वेश्चन बोल रहा है, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, कमलनाथ, बस इतना पता होना चाहिए, कहां से जीते कोई मतलब नहीं इसका, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल, चलते हैं आगे। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत, आगे चलते हैं, सरदारपुरा से जीतते हैं वैसे तो, चलो आगे, जोधपुर साइड में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, जोराम थांगा, क्या नाम है, जोराम थांगा, इसे नाम याद रखिए, जोराम थांगा सी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट फ्लाई डीप सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम इंडक्टेड इन टू द इंडियन नेवी सिस्टम 2018, भारतीय नौसेना में दिसंबर 2018 में एक सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को इंडक्ट किया गया था, सेवा में लेना शुरू किया गया था, उसका नौसेना में शामिल किया गया था, उसका नाम क्या है, है ना, तो यह है मुंबई, आई एन एस मुंबई जो है ये सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट है, हरा एक बेकार क्वेश्चन है, खत्म हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन करेंसी, मतलब नेपाल में भारत की कौन सी करेंसी ऑफिशियली चलेगी, नेपाल में भी वो काम करेगी, 100 रुपये का नोट, 100 रुपये करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन हटाइए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हटाइए, पुराना क्वेश्चन हो गया, आएगा भी नहीं। आयरलैंड ने अभी हाल ही में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया है, ये बात 2005 की है, जब अबॉर्शन, आपको पता है कि आयरलैंड और माल्टा दो ऐसे देश थे यूरोप के जहाँ पे अबॉर्शन अभी भी लीगल नहीं था, लेकिन अब आयरलैंड ने लीगल कर दिया है, इसके खिलाफ आवाज़ भी इंडियन ने उठाई थी, एक भारतीय महिला थी, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जिनका कि 5 महीने का बेबी अबॉर्ट करना था, डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार ने आदेश नहीं दिया और उस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये बड़ा आंदोलन चला था कि अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए, तो अब आयरलैंड ने दिसंबर में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया, और अब सिर्फ माल्टा ऐसा देश रह गया है यूरोप का जो हाँ अभी भी अबॉर्शन इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, रानिल विक्रम सिंह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे पिछले वर्ष, आपको पता होगा, फिर रिफ्ट हुआ तो हटाया गया उनको, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आसियान के किस देश ने भारत को वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब कि बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आप वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं, वो कौन सा देश है आसियान देशों का, म्यांमार, कौन सा है, म्यांमार। नेक्स्ट, दुनिया का वो कौन सा सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाला न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड ऑपरेशन, मतलब लगातार ऑपरेशन में रहने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है दुनिया का जो सबसे लंबे समय तक ऑपरेटेड है, 941 दिन से लगातार, और वह कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा कर्नाटका में। डन। चलिए 333वां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को, रट लीजिए, जब तक अगला नहीं आएगा तब तक ये लगातार पेपरों में आएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटाइए इसको, ये क्वेश्चन नहीं आते, कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड RBI के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास, चलते हैं बी फॉर बॉम्बे। 336वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
336वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ, बिकॉज जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें रटने वाली हैं, तो रटनी पड़ेंगी और जो बेकार क्वेश्चन है वो हटाएंगे हम लोग। अभी कौन से हाई कोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी यूज़ करने पे बैन किया था, मतलब ऑनलाइन पे जो दवाइयाँ खरीद फरोख्त हो रही थी उसमें इलीगल तरीके यूज़ किए जा रहे थे और इसमें दवा को गैर कानूनी तरीके से यूज़ करने की न्यूज़ मिल रही थी, इसलिए ऑनलाइन जो फार्मेसी वाले ऐप थे उनको बैन किया गया। जैसे कि नेट मेड्स वगैरह है, ऑनलाइन आप सब्सक्रिप्शन दीजिए और दवा ले लीजिए, उसमें गड़बड़ी होती थी। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था इनको बैन करने का, ऑनलाइन दवा मंगाने वाला सिस्टम। नेक्स्ट है वोस हुज कॉर्पोरेट ग्रुप हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अनमैंड। भाई देखो, इंडिया अपना ना प्राइवेट अनमैंड व्हीकल बना रहा है जो कि हैदराबाद में बनाया जाएगा इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलके भारतीय सेना के लिए, ठीक है। तो इसका बनाने का काम किसको दिया गया है, गौतम अदानी को। अदानी ग्रुप जो है वो भारतीय सेना के लिए यूएवी बनाएंगे, अनमैंड व्हीकल जो होते हैं, जो ड्रोन टाइप के है ना, जिसमें कि आप व्यक्ति नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। और इसी कंपनी के साथ, इसराइल की इसी कंपनी के साथ मिलके कुछ आर्टिलरी सिस्टम, कुछ व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रक बनाए जाएंगे जो कि तोपों को ले जाने के लिए यूज़ होंगे, है ना। उसको कौन ले बना रहा है, मतलब अदानी जी तो बना रहे हैं यूएवी, और वो ट्रक कौन बना रहा है, अशोक लेलैंड। कौन बना रहा है, अशोक लेलैंड, आर्टिलरीज वगैरह गन सिस्टम को मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है 339वां क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनियल प्लांट IHAMP, ये संस्था है इंस्टीट्यूट का, कहाँ पे आधारशिला रखी गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, मतलब उच्च स्तर पे जो औषधि वाले जो पौधे होते हैं उसकी रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और इस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई जम्मू कश्मीर में। कहाँ रखी गई है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। रेलवे की यूनिवर्सिटी वडोदरा, बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नाम से एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है वुमेन हैरेसमेंट, वुमेन्स के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे, उसकी सूचना देने के लिए 181, किस स्टेट ने, तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भाई 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, बेल्जियम ने जीता। किसने जीता, बेल्जियम ने जीता। आगे चलते हैं, इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में। 343वां क्वेश्चन, 343। अभी बैडमिंटन पर जो भी क्वेश्चन आए, पीवी सिंधु है ना, दिसंबर में इन्होंने ग्वांगझू चाइना में वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंची थी बैडमिंटन के, पीवी सिंधु। अभी इन्होंने दुनिया के रैंक वन बन चुकी हैं और जो विश्व चैंपियनशिप हाल ही में जीती है आपको पता होगा, तो पीवी सिंधु इनका आंसर है। उसके बाद है भारत की टेबल टेनिस स्टार है ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड है ना। ये अवार्ड किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने, एक ही टेबल टेनिस खिलाड़ी है, दिल्ली की है, 15 साल की, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा, ध्यान दीजिएगा, डी फॉर दिल्ली वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किताब किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी, क्रिएटिव डिस्ट्रप्टर द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, तो आर बालाशंकर, बी फॉर बॉम्बे, इन्होंने लिखी है जी, ये आ भी सकता है मोदी जी पे। तो 346वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड सबमरीन डे, इंडियन नेवी जो है 8 दिसंबर को सबमरीन डे मनाती है, क्यों मनाती है, क्योंकि 1967 में भारत को पहली सबमरीन मिली थी, उसका नाम था कलवरी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों दिया हुआ मुझे अभी भी पता नहीं है, ठीक है, ये भी हटाइए इस क्वेश्चन को। 348वां क्वेश्चन बेकार है, कुछ नहीं इसमें। 347वां क्वेश्चन गलत है, कोई फ़ायदा नहीं करने का। 348वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डैश स्कूल ऑफ मीडिया इन्फॉर्मेशन न्यू दिल्ली स्टार्टेड, कुछ भी नहीं है, क्या है ये, बेकार, हटाइए। शेख जायद पुरस्कार कौन सा देश देता है, यूएई देता है, मोदी जी को मिला है, 349वां हो गया। शेख जायद पुरस्कार कौन सा देश देता है एक प्रकार से, तो आपको यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, नरेंद्र मोदी जी को मिला है इस वर्ष, वहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट सम्मान होता है। और 350वां है कि भारत ने प्रपोजल दिया था कि 2023 को मिलेट, जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स का ईयर मनाया जाए, ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाए 2023 को। इस रिक्वेस्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था,
कि किस वर्ष को इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनवाना चाहता है, मनाना चाहता है। पूरी दुनिया से उसने आग्रह किया एफएओ के द्वारा, तो एफएओ ने इस मांग को मान लिया है। मतलब एफएओ के द्वारा 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी फीडबैक है प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।